प्रेस लिया बिकॉज ऑफ एक्स मिनिस्टर माइकल लोबो, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है जब वो एंटर कर रहे थे कांग्रेस में, तभी उन्होंने बोला कि सर्व सामान्य लोगों के लिए वो कांग्रेस में जा रहे हैं, टैक्सी का भी नाम लिया उन्होंने, इसलिए हमने ये प्रेस रखा, क्योंकि अगर उनको टैक्सी के बारे में कुछ भी बात करनी है और टैक्सी लॉबी को प्रमोट करना था तो उन्होंने 5-5, 10 साल क्यों नहीं किया। वही मैं पूछना चाहता हूं उनसे, अगर 5-10 सालों में नहीं हो सकता है तो आज कांग्रेस में जाके वो क्या साबित करना चाहता है कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूं, मुझे वोट कर दो और मैं आपका काम कर दूंगा। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो टैक्सी वाले हैं मोदी और जो सामान्य लोग हैं गोवा के, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये कांग्रेस में या बीजेपी पावर में आए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, क्योंकि बहुत हेजिटेशन हो गए, बहुत हमने हेजिटेशन किया आजाद मैदान पे, हम लोगों ने 16 डेज हमने हेजिटेशन किया, बहुत से हमारे साथी, बहुत से हमारे जो टैक्सी वाले हैं उन्हें कोविड होके भी आज वो इस दुनिया में नहीं है। किसकी वजह से? ये माइकल लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने टैक्सी वालों को ग्रांटेड लिया हुआ है, क्योंकि उसको पता है जो कुछ मैं करूंगा ओपनली करूंगा और टैक्सी वाले हमें सपोर्ट करेंगे। नहीं, इस टाइम हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं टैक्सी वालों को मीडिया आपसे एक नमस्कार करके एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई भी मिनिस्टर, कोई भी नेता आपके दरवाजे पे आए और आपको बोले कि हम मीटर का आपको पैसा दे रहे, प्लीज ले लो, क्योंकि वो पैसा हमारा ही है, हमारे सामान्य लोगों का है, क्योंकि मैं भी एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं भी गाड़ी चलाता हूं, टिल टुडे मैं अभी भी गाड़ी चला रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है हम लोग टैक्सी चला के हमारे फैमिली को कहां से कहां पहुंचे ये कर रहे। तो मैं टैक्सी वाले को एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आप पैसा ले लो, लेकिन जब आप वोटिंग करने जाओ तो वो बात याद रखना कि हम लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया था 16 दिन आजाद मैदान पे, वो एक बार माइंड में लेके आओ, वो एक बार अपने दिमाग से सोचो, अपने परिवार को बोलो, और तभी आप सोच के वोट करना किसको वोट करना इस बार। कलंगुट में कितने टैक्सी ड्राइवर या टैक्सी वाले हैं? कम से कम मुझे लग रहा है तो 2000 से 2500 तक टैक्सी वाले कलंगुट कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे, उसकी फैमिली है, इसीलिए मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मीडिया के माध्यम से मैं उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ। जो भी आप कुछ करें, जो भी आज परिस्थिति गोवा की है, वो सोच समझ के वोट करिएगा, क्योंकि ये वोट आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्व सामान्य लोगों का वोट, एक वोट आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, ये वोट जो है आपको आम आदमी को ही देना है, क्योंकि आम आदमी आपको ये सब सुविधा दे देंगे, क्योंकि एक बार अरविंद केजरीवाल। आपको क्या लगता है कि ये 2000 या 2500 जो लोग हैं वहां पर कलंगुट में टैक्सी वाला जो लोग हैं, उनके वहां पर माइकल लोगों को विरोध करने से कोई फर्क पड़ जाएगा वहां पर? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 टर्म अगर उसने इलेक्शन जीता है तो टैक्सी वाले के परिवार के बलबूते पे जीता है, और दोनों टर्म में सिर्फ उन्होंने उनको सिर्फ खोटा आश्वासन दिया है कि भाई आपका काम होगा, इस बार 2 बार बोला इस बार होगा, तीसरी बार भी बोल रहे भाई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहिए, और वो भी टैक्सी वाला जो बैकबोन है टूरिज्म इंडस्ट्री का। अगर जो कोई टूरिस्ट बाहर आता है और पहले मिलता है तो टैक्सी वाले को मिलता है, और उसी की उसको उसके बिजनेस में, उसके लाइफ में अगर अन्याय हो रहा है और गवर्नमेंट कर रही है तो बुरी बात है ना। तो इस बार वोट करने जाएंगे वो सोच समझ के वोट कीजिएगा, क्योंकि इस बार भी आपको वो लोग नहीं छोड़ेंगे और इस बार भी आपको यूज करेंगे, आपको यूज करके अपना पॉलिटिकल करियर बनाएंगे और आपको साइड में फेंक देंगे जैसा 10 साल फेंकते आ रहे हैं। आप कुछ बता रहे थे कि कोई डॉक्यूमेंट कुछ है आपके पास? मैं एक डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास, ये जो बीजेपी का पहले का जो विधायक था और मंत्री था, ये लोगों ने, सब लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी करके
ये सब एक ऐप लेके आए थे, उसके अंदर आज उनका ही गवर्नमेंट का एक कॉरपोरेशन है, वो डिपार्टमेंट से उसको शोकस नोटिस निकाला। वो शोकस नोटिस क्यों निकाला कि उसने बिजनेस किया और जिसने सर्विसेज दिया उसका सबका टैक्स कट किया, उनका टैक्स गवर्नमेंट को भरा नहीं, जीएसटी भरा नहीं, लेकिन ये नोटिस के तरफ ऐसा दिख रहा है कि उस कंपनी का जीएसटी नंबर भी उसका अंडर सुमोटो कैंसिल भी करके उड़ाया और आज तक ये चल रहा है। बोला तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे बाहर की कंपनी को ला के यहां पे गोवा में पूरा जो मलाई है वो खाने का, जो हमारा टैक्सी कम्युनिटी है गरीब उनका सब पैसा खाने का, ये उन लोगों का इरादा है। और अभी वही लोग ये पार्टी से दूसरा पार्टी में जा रहे हैं और अपना सब टैक्सी वाले के पास रिक्वेस्ट कर रहा है कि 5 साल दे दो, हम आपके लिए सब कुछ जितना आपका प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व करेंगे करके। मेरे को ऐसा नहीं लगता है, ये सब झूठ है। ये सब टैक्सी वालों को जस्टिस देना है तो एक ही दे देगा, जो ऑनरेबल दिल्ली सीएम केजरीवाल जो बोलता है वही करता है। क्योंकि आई हैव सीन इन माय आईज इन फिजिकली इन दिल्ली द वे ही हैज डन एवरीथिंग इज वेरी फाइन, व्हाट ही हैज कमिटेड ही हैज फिनिश। सो आई रिक्वेस्ट टू द ऑल गोवंस टैक्सी एंड ऑल्सो स्मॉल बिजनेसमैन एज वेल एज ऑल पब्लिक, यू सी दिस, आप गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल, यू विल गेट अ गुड गवर्नेंस एंड इट इज लाइक व्हाट पब्लिक वांट ही विल डू डेफिनेटली। थैंक यू। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आप अपने कमेंट्स लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप इन वीडियोस के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 81।